अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और साहब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला काम से आज की वीडियो का, आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको थोड़ा सा रिकैप में जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे आज टाइम नहीं मिला। सो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक साल बाद अपनी फैमिली को विज़िट करने के लिए। सो आप लोग को दिखाते हैं, अभी जो है जहाज़ में बैठ चुके हैं, तो पिछला रिकैप भी दिखाते हैं। तब तक मैं यहाँ से फ्लाई करता हूँ और आप रिकैप देखिए, तो देन आगे का जो सरप्राइज़ है वो आप लोगों को दिखाते हैं। मार्केट आए हैं तो कोई ब्रेड लेते हैं। तो हम मैं जो है अपनी अकोमोडेशन से निकल आया हूँ ऑन द वे हूँ एयरपोर्ट की तरफ। सो कुछ लम्हात हैं जो मेरा रियाद में बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, मीन नई नई रोडों पर, कभी एक सब स्टेशन दूसरे सब स्टेशन पर। तो बस अभी दिल थोड़ा है, बिकॉज ये जगह सऊदी अरब ऐसी जगह के जाते हुए आपका दिल थोड़ा वो होता है, लेकिन इंशाल्लाह अब की बार जा रहा हूँ दोबारा वापस आने के लिए। अल्लाह ताला खैर शुक्र रखे। तो आप लोगों से कुछ शेयर करूंगा कि जो मेरा एक साल का जो रिव्यू क्या। अच्छा, यहाँ की एक ख़ास बात ये है कि आपके जो पैसे हैं ना, जब आप उम्रा करते हैं ना, आपके पूरे हो जाते हैं। एंड आई कैन एक्सप्लेन दैट फीलिंग इन माई वर्ड्स, दैट जब आप उम्रा करते हैं आप क्या फील होता है। अच्छा, मैं आने से पहले मैं अभी चाह रहा था कि मैं एक उम्रा कराऊँ। जो मैंने एक उम्रा किया है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट मतलब प्यासा पानी के पास गया है, एंड उसकी मतलब ना प्यास नहीं बुझी। तो ये जगह ऐसी है, मैं यहाँ से वापस जाते हुए मैं ये दुआ करूँ कि या अल्लाह मुझे दोबारा वापस बुला, कि मैं जा रहा हूँ वापस आने के लिए। एंड सेकंड ऑफ ऑल कि मेरे जो कलीग्स थे, स्पेशली जिशान, एंड मैं अब उसको पता लगा तो वो मतलब मैं उसको कहले कर रोता हुआ छोड़ गया है। बहरहाल उसके साथ मेरी दुआ सलाम बहुत अच्छी बनी हुई थी, असल मेरे छोटे भाइयों की तरह बना हुआ था, एंड वो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। तो इंशाल्लाह सो एंड सो मैं जहाँ भी गया मैं भोजू को साथ ला कर आऊँगा। होता है लेकिन मैंने उसका नाम रखा हुआ पर, लेकिन याद आएगा, अल्लाह ताला से खुश है। Thank you.